बीच का व्यू पहली नज़र में देख के आया है, मन खुश हो गया पता है। तुम लोग देखोगे लेकिन व्हाई डू यू लाइक इंडिया, यू सेड यू लाइक इंडिया। अभी मैं जा रहा हूँ बागा बीच, शाम के अभी 4 बज रहे हैं और थोड़ी थोड़ी धूप है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं पहले ही निकल गया। एक्टिवा भी थी लेकिन मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, पास में ही है। मैं आरपोरा में रुका हुआ हूँ पिछले 2 दिन से, क्योंकि यहाँ भाई लोग रहते हैं कुछ, उन लोगों के साथ ही रुका हुआ हूँ। कल पूरे दिन सोया और कुछ नहीं किया। आज सुबह जाने वाला था अगुआड़ा फोर्ट लेकिन किसी वजह से जा नहीं पाया। अभी शाम को सोच रहा हूँ कि चलो उधर बीच की तरफ जाते हैं, कलंगुट हो गया, बागा हो गया, चलते हैं। एरिया भी बिल्कुल शांत है, अच्छा माहौल है, बिल्कुल पीसफुल जगह है। इधर अरपुरा के पीछे साइड में है, बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन यहाँ पे रुक के। और कॉलोनी सी दिखा रहा हूँ मेरा, बस का टाइम दिखा रहा है 4:50 का और अभी टाइम हो रखा है 4:15, तो पहले रोड पे चलता हूँ। अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे बागा के लिए बस मिलेगी। ये है चैपल है सेंट सेबेस्टियन का, ये लैंडमार्क याद रख लो, ये चैपल है सेंट सेबेस्टियन का। ये आरपोरा का वो सेंटर है, ये वाला रोड है ना, ये कलंगुट और बागा रोड। अभी यहीं बस आएगी तो उसी में बैठ के जाएंगे। वैसे मैं एक्टिवा भी लेके जा सकता था, फिर पार्किंग ढूंढो यार, इससे अच्छा सोचा कि अभी शाम को थोड़ा मार्केट वार्केट घूमेंगे तो बस से चलते हैं। मैं पैदल जाने वाला था लेकिन अब सोच रहा हूँ कुछ 10-15 मिनट में बस है तो बस ही में बैठ के जाएंगे। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, फिर निकलते हैं। मुझे लगा कि ये बस मुझे वहाँ लेके जाएगी कलंगुट बीच पे, लेकिन कलंगुट बीच पे नहीं लेके आई है, इसने कलंगुट के सेंटर पे छोड़ा है। वो बागा वाली मिली नहीं थी, तो बागा वाली ना थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बागा वाली तो बंद हो गई, अभी नहीं आएगी आज, लेकिन मुझे पता था कि आएगी 10-15 मिनट में। मैंने सोचा इतना वेट करने से अच्छा है कि चलो इसी में चलते कलंगुट चौराहे तक, फिर वहाँ से पैदल चल लेंगे। तो ये मार्केट है पूरा कलंगुट का, तो इधर से पैदल पैदल जा रहा हूँ मैं। अच्छा किया वहाँ से कलंगुट से बस नहीं लिया, वहाँ से पैदल पैदल आया पूरा मार्केट देखता हुआ, और अभी पहुँच चुका हूँ बीच के पास। अब बीच का व्यू पहली नज़र में देख के आया है, मन खुश हो गया पता है। तुम लोग देखोगे लेकिन उधर से सूरज की किरण आ रही है तो इधर का काला आएगा। पूरे शेक्स लगे हुए हैं और चेयर लगा हुआ है, अम्ब्रेला लगा लगा के लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। दिखाता हूँ, मस्त प्यारा सा माहौल हो रखा है भाई साहब। अभी रूम पे सो रहा होता क्या फ़ायदा होता बताओ, गोवा आया हुआ हूँ रूम पे सो रहा हूँ 2 दिन से बताओ। अभी यार आके ऐसा मतलब फील हो रहा है कि नहीं घूमने आया हूँ, सारे लोग चारों तरफ अपना एंजॉयमेंट कर ही रहे हैं और वाटर स्पोर्ट तो दबा के चलता ही है गोवा और कलंगुट बीच पे और बागा बीच पे। अभी कलंगुट पे हूँ, बागा जाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर इधर टहल लेता हूँ। लोग पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं पता है, ऐसे चलते हुए ना इधर साइड में बहुत सारे चेक है, लोग लेटे हुए अपने और कोई एंजॉय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ड्रिंक व्रिंक भी पीते हैं लोग इधर बैठ के। वैसे मुझे मालूम पड़ा था, मैंने न्यूज़ में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि पब्लिक प्लेस में आप ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हो गोवा में। अब पता नहीं, लेकिन जो पहले गोवा में जितनी भीड़ थी ना अभी उतनी है नहीं, अभी कम है। 10 वाले पोर्शन में बहुत शांति है, लोग कम है, बस फैमिली वाले लोग हैं, वो लोग शेक पे बैठ के बीच को एंजॉय कर रहे हैं। और उस साइड जो है ना उधर बहुत लौंडे हैं यार, बहुत पब्लिक है, यहाँ हवा लग रही है ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। किसको जेट स्की चलाना है बताओ, जेट स्की भी है इधर, बस बहुत लोग हैं यार, सब मज़े ले रहे हैं अपने अपने। मेरे को भी बड़ा मज़ा आ रहा है, कभी अकेले बैठ के सबको देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हो। देखो जैसे इधर का माहौल, लाइफ गार्ड देखो ये पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइफ गार्ड बैठता है ताकि कोई अगर डूब गया कुछ हो गया। और बहुत सारी लाइफ गार्ड की गाड़ी भी घूमती रहती है, रेड कलर की जिप्सी, अभी देखी होगी साइड से चलती हुई। तभी पता है कलंगुट बीच में मेरे को एक वो दिखा, मैं ये सोच रहा था कि बंदे बुलाते रहते हैं कि ये कर लो, बनाना राइड कर लो, जो भी वाटर स्पोर्ट है करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें प्राइस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सब इंडिविजुअल राइड का। यहाँ पे काउंटर है, पीछे देखो काउंटर दिख रहा है, इसी में अभी मैं बैठा हुआ हूँ कलंगुट बीच में, रिलैक्स कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है।
भी वाटर स्पोर्ट है यहाँ पे। अगर तुमको जेट स्की करना है तो 300 रुपीज़, पैरासेलिंग का 1000 और पूरा 5 राइड का पैकेज दोगे ना तो 1850 रुपीज़। इसमें बनाना आ जाएगा, जेट स्की आ जाएगा, बम्पर राइड आ जाएगा और पैरासेलिंग आ जाएगा। अब शाम हो गई है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत और अलग माहौल हो गया पूरा। दिस आर्ट एंड दिस आर्ट बिलोंग टू दिस गाय, यू आर द आर्टिस्ट राइट, यू मेड दिस बोथ आर्ट राइट, ग्रेट ग्रेट वर्क। व्हेन आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दैट, इट बिकम लाइक दिस, नथिंग। नो आई ट्राइड Why do you like India? I like the people because they are very communicative, very easy. So very friendly, right? You never find lonely in India. Yeah. In Europe, you would find lonely. But they got that much interested that sometimes you will feel like, oh, I am getting in trouble. No. I'm used to it. You love to talk? Yeah, I like to talk with people. Oh, right. Yeah. I forgot to ask your name. What is your name? Philip. Sorry? Philip. Philip. Philip from France. Yeah. My name is Shamim Raza. Shamim. Yeah. Shamim Raza. Yeah, Shamim Raza. तो भाई ऐसी बैठ चलते चलते मैं बहुत देर से अकेले अकेले घूम रहा था, फिर अभी मैंने देखा यहाँ पे भाई ने बनाया टर्टल, और भाई के अंकल हैं 67 एज इनकी, तो इन्होंने डॉल्फिन बनाया और टर्टल बनाया। तो आया मैं ऐसे घूम रहा था, बैठ गया, अभी बात कर रहा, वो भी अकेले बैठे हुए थे, मैं भी अकेला ही था, तो मैं चलो बातचीत करें, फ्रांस से है मैंने। अभी बैठे बैठे पता है यहाँ पे रात हो गई, वो फ्रांस के एक अंकल मिले थे, उनसे बात कर रहा था, उनकी जो ड्राइंग थी ना वो एक नंबर बना के रखी थी यार, उन्होंने ड्राइंग कह रहा हूँ, वो जो आर्ट बनाया था डॉल्फिन, और बहुत सारी बातें हुई। तो टाइम हो गया तो मैं अभी बागा बीच जा रहा हूँ, उसी टाइम जाना था मेरे को, मैं सोचा पहले यहाँ कलंगूट रुकूँगा उसके बाद बागा जाऊँगा, लेकिन बागा अभी जा रहा हूँ, रात हो गई फिर मार्केट जाएंगे। और इधर देखो सब लाइट वाइट ऑन करके मस्त माहौल बना दिया, बागा की नाइट लाइफ तो अलग ही है भाई। लेकिन बाहर ऐसे नॉर्मली पार्टी नहीं हो रही, लेकिन जो भी शेक्स है ना, शेक्स में दबा के लोग डांस कर रहे हैं। मैं बाघा आया अभी रात को, मज़ा आ रहा है, लेकिन फुल लास हो लास देखो सर। अभी बाघा बीच से वापस जा रहा हूँ, और यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर है। चलो फिर रूम पहुँचते हैं, फिर कल देखेंगे कहाँ जाना होता है। अभी मैं बागा से जा रहा हूँ, तो ये मार्केट पड़ा है रास्ते में, यहाँ पे हर तरीके की दुकानें हैं, ठीक है, कपड़े की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत मस्त माहौल। अभी पैदल पैदल चलते हुए रास्ते में मुझे आई लव गोवा का साइन बोर्ड दिखा, देखो यहाँ है आई लव गोवा का साइन बोर्ड, यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा बैठ के देखते हैं, और मज़ा आ रहा है बहुत बहुत, क्या अलग डिफरेंट टाइप का मज़ा है यहाँ पर गोवा में। और सामने है ना ये छोटा सा पार्क है रोड पे ही, और ये सामने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टैचू है उधर, अभी मैं उधर जा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो सामने है, ये आरपोरा में है ये वाला एरिया देखो। तो दोस्तों देखो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगाओ नहीं लगाओ जो कुछ भी जैसा भी लगाओ कमेंट में बताओ, ताकि मेरे को समझ में आए। बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, सबका खैर।